आरबीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 12,516 नए मामले आए सामने, 501 लोगों की हुई मौत। कोविड 19 के खिलाफ 77.8% प्रभावी रही कोवैक्सीन, लैसेंट की स्टडी में हुआ खुलासा। स्कूल बसों से सवारी की ढुलाई, ऑपरेटर उठा रहे मौके का लाभ। सफाई कर्मी के साथ की गई मारपीट, पाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। आचार संहिता का तगड़ा झटका, वेबसाइट से भी गायब हुए पदाधिकारियों की फोटो। स्कूल कॉलेज खुले पर छात्रों की उपस्थिति कम, सभी कक्षाओं के बारे में सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा। शहर में पारे का गिरा ग्राफ और बड़ी सर्दी, डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल की दी राय। चोरों ने 3 घरों में लगाई सेन, लाखों की नकदी और जेवरात समेत हुए फरार, बेलतोरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। महापौर ने केंद्रीय मंत्री ठाकुर को सौंपा ज्ञापन, खेल मैदानों के लिए निधि उपलब्ध कराने को लेकर दिया निवेदन। हर घर दस्तक अभियान के तहत वैक्सीनेशन को लेकर 30 तक टारगेट पूरा करने का प्रयास। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।